During the Sultanate period, there was an attempt to establish authority over South India. जब सल्तनत एज चल रहा था तब ये कोशिश की गई थी कि साउथ इंडिया पे भी कब्जा किया जाए. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक. अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे अटैक करने का सोचा था. ही कैरीड अवे इनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी. वो देवगिरी से बहुत ही अच्छी संपत्ति वहाँ से ले गए थे. सबसिक्वेंटली मलिक काफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वारंगल. मलिक काफूर ने वारंगल का जो किंगडम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्जन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक के समय में इंडिया की हालत बहुत ही खराब थी. सेमेंटियसली द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड बहामनी सुल्तनत वेर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया. जो हिंदू एम्पायर थे विजयनगर के और बहामनी सुल्तान थे वो साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश हुए. After the defeat of the ruler of Warangal, मतलब कि वारंगल जो शासक थे उनकी हार के बाद the two brother of the जादव क्लैन के दो ब्रदर हरिहारा और बुक्का established the विजयनगर किंगडम. उन्होंने विजयनगर किंगडम स्थापित किया under the inspiration of स्वामी विद्यारण्य. उनके इंस्पिरेशन से उनसे प्रभावित होकर उन्होंने विजयनगर किंगडम स्थापित किया. द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन 1336. जो विजयनगर किंगडम है वो एस्टैब्लिश किया गया साउथ में तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 में. विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 ईयर द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी. 8 साल के छोटे से शॉर्ट पीरियड में जो किंगडम था वो तुंगभद्रा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल गया. बुक्का एक्सटेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा. हरिहरा के डेथ के बाद बुक्का ने पूरा शासन संभाला. हिज डिसेंडेंट बिकम वीक. उनके शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे. अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर. उनका शासक कमज़ोर पड़ने के बाद एक नया शासक आया, मतलब नई पावर आ गई. कृष्ण देव राय वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. कृष्णदेव राय वो पावरफुल शासक थे इस डायनेस्टी के. कृष्णदेव राय रूल फ्लरिश इन द साउथ इंडिया. कृष्णदेव राय का जो रूल था वो साउथ इंडिया में बहुत फैला, बहुत अच्छे से. ही हैड गुड रिलेशन विद द यूरोपियंस. उनको यूरोपियन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे. एंड वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. और वो आर्ट और लिटरेचर के भी बहुत अच्छे प्रेमी थे. He constructed canals in South India with the help of an engineer called Yomke. Yomke engineer की help से उन्होंने South India में canals का construction शुरू किया. Foreign travelers who visited Vijayanagar have appreciated its grandeur. जो foreign travelers है वो विजयनगर आते थे तो विजयनगर देख के वो बहुत ही तारीफें करते थे. There were grand temples and forts in the kingdom. उस kingdom में बहुत बड़े बड़े मंदिर और बहुत बड़े बड़े किले थे. This glorious state was destroyed in the battle of Talikota. Talikota युद्ध में ये पूरा state है वो destroy हो गया. The Bahamani Sultanate. The Amirs in the Deccan rebelled. Hassan, one of the efficient Amirs, became the Sultan and founded the Bahamani Sultanate. Hassan, जो एक काबिल अमीर था वो सुल्तान बना और बहामनी सल्तनत की मतलब स्थापना की. मोहम्मद गवन was a capable minister. मोहम्मद गवन थे वो बहुत ही काबिल मिनिस्टर थे and an efficient administrator of a Bahamani Sultanate. और बहुत ही efficient वहीवटीकार भी थे बहामनी सल्तनत के. He won many territories. उन्होंने बहुत ही युद्ध जीते हैं. And extended the boundary of Bahamani Kingdom. उन्होंने वो सारे युद्ध जीत के Bahamani Kingdom की boundary को और भी बढ़ा दिया. The power of Bahamani Sultanate weakened after his death. उनके death के बाद सल्तनत, Bahamani Sultanate थे वो कमज़ोर पड़ गई.
देयर वेर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। उनकी डेथ के बाद थोड़े थोड़े टाइम में युद्ध हुआ करते थे विजयनगर और बहामनी किंगडम्स के बीच में। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहामनी सल्तनत मेनी ऑफ हिज प्रोविंस बिकम इंडिपेंडेंट। बहामनी सुल्तनत को गिरे बहामनी सुल्तनत का नाश होने लगा था, तो बहुत सारे ऐसे प्रोविंस थे जो इंडिपेंडेंट मतलब कि आज़ाद होने लगे थे। अमंग दिस द फाइव प्रोविंस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरर एंड बीदर बिकम एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। वो और ये सारे जो किंगडम है वो आज़ाद हो गए थे। अब लास्ट में है एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ? फिरोज शाह तुगलक एक्सटेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने अपना शासन किया। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने अपना शासन मतलब शासन पे बैठे। हाउएवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत बिगन टू वीकन। उस टाइम से दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। द रेज ऑफ अ तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेंशन एंड द प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तैमूर। अभी उनके समय में जो दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, परेशानी होने लगी तैमूर की वजह से। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान टुक एडवांटेज ऑफ द चेयर्स एंड एस्टैब्लिश्ड द सैयद डायनेस्टी। जो गवर्नर थे लाहौर के खिजरा खान, उसने इस बात का फ़ायदा उठाया इस कन्फ्यूजन का और सैयद डायनेस्टी को स्थापित कर दिया दिल्ली में। द अथॉरिटी ऑफ दिस सल्तनत वॉज लिमिटेड टू द रेंज ऑफ अराउंड दिल्ली। और ये जो सुल्तान थे उनका जो शासन था वो लिमिटेड एरिया में था, दिल्ली के आजू बाजू लिमिटेड एरिया में थे। इन 1451 CE एन अफगान लीडर बहलोल एस्टैब्लिश द रूल ऑफ अ लोदी डायनेस्टी इन दिल्ली। अब 1451 के टाइम में अफगान लीडर थे जिनका नाम बहलोल था, उन्होंने लोदी डायनेस्टी दिल्ली में स्थापित किया। हिज सन सिकंदर लोदी एक्सटेंडेड द थ्रोन आफ्टर दिस। उनकी डेथ के बाद उनके पुत्र सिकंदर ने लोदी डायनेस्टी का शासन चलाया। दो सिकंदर लोदी हैड अ गुड क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर। सिकंदर लोदी के पास बहुत ही अच्छी क्वालिटीज थी शासक बनने की। ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस, पर उसमें ऐसा था कि सारे धर्मों को सहने की शक्ति नहीं थी, मतलब कि उनमें ये कमी थी। द स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगन आफ्टर हिज डेथ इन विच इब्राहिम लोदी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। अभी उनकी डेथ के बाद स्ट्रगल मतलब कि स्ट्रगल शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी ने अपने बड़े भाई को ख़त्म कर दिया और दिल्ली पर राज किया। The Amirs were not happy because of his arrogant attitude. और आमिर को पसंद नहीं था इनका गुस्से वाला एटीट्यूड। There was a rebellion in the kingdom against this rule. Babur, the emperor of Kabul, invaded Delhi at that time. Babur है जो काबुल के शासक है वो दिल्ली आए। He defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526 CE. उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया पानीपत के युद्ध में, जो युद्ध 1526 में हुआ था। एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर विच लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर। और उन्होंने मुगल एम्पायर को स्थापित किया और अप्रोक्सीमेटली 200 साल तक उन्होंने राज किया। तो यहाँ हमारा ये लेसन दिल्ली ड्यूरिंग द मीडिया एरा पीरियड खत्म होता है। थैंक यू सो मच।